जो कैसे हो? आशा है सब लोग ठीक होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर की ओर जाते हैं, जो कि सॉल्यूशन या विलयन चैप्टर है हमारा। तो हम विलयन पाठ को जब प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले विलयन होता क्या है उसके बारे में जानते हैं कि हम विलयन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है। तो विलयन दो या दो से अधिक परस्पर अनभिक्रियाशील पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है, यानी एक ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक एक दूसरे से अभिक्रिया ना करें। इसीलिए कहा जाता है कि दो या दो से अधिक परस्पर अनभिक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसको हम कहते हैं विलयन। और विलयन में जो उपस्थित घटक हैं वो घटक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, और कैसे पदार्थ जो परस्पर एक दूसरे से क्रिया नहीं करते हैं या अनअभिक्रियाशील होते हैं। अब जिन पदार्थों से वो विलयन मिलकर बना है, यानी जिन पदार्थों से उस विलयन का निर्माण हुआ है, उन पदार्थों को हम कहते हैं विलयन के घटक। यानी जो भी विलयन के निर्माण में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, चाहे वो दो पदार्थ हो चाहे तीन हो, उन पदार्थों को विलयन के घटक कहा जाता है। और किसी विलयन के निर्माण में कितने घटक भाग ले रहे हैं उसके आधार पर हम विलयन को वर्गीकृत करते हैं। जैसे यदि किसी विलयन में दो घटक भाग ले रहे हैं तो ऐसा विलयन कहलाता है द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन जिसके दो अंग होते हैं, द्विअंगी विलयन अर्थात ऐसा विलयन जिसके निर्माण में केवल दो घटक भाग लेते हैं। अब वो दो घटक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। एक घटक कहलाता है विलेय और दूसरा घटक कहलाता है विलायक। एक घटक का नाम होता है विलेय और दूसरे घटक का नाम होता है विलायक। अर्थात जिस विलयन के निर्माण में दो घटक भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन। और यदि किसी विलयन के निर्माण में तीन घटक भाग ले रहे हैं तो ऐसे विलयन को कहा जाता है त्रिअंगी विलयन। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है त्रिअंगी विलयन। तो विलयन में उपस्थित जो घटक हैं उन घटकों के आधार पर हम विलयन को द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन ऐसे ही अन्य भागों में विभाजित करते हैं। यदि कोई विलयन द्विअंगी विलयन है तो उसमें एक घटक विलेय होगा और दूसरा घटक आपका विलायक होगा। अब विलेय क्या है और विलायक क्या है? विलयन के निर्माण में जो घटक भाग ले रहे हैं उसमें हम विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो हम विलेय और विलायक के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो पहला घटक विलयन का कहलाता है विलेय, जबकि दूसरा घटक विलयन का कहलाता है विलायक। अब विलेय पदार्थ हमेशा उस पदार्थ को कहा जाता है विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम हो, अर्थात जो घटक विलयन में निम्न मात्रा में पाया जाता है उस घटक को हम कहते हैं विलेय। और जो अधिक मात्रा में घटक पाया जाता है जिसकी मात्रा अधिक हो, यानी ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कहलाता है आपका विलायक। तो विलेय क्या हुआ कि विलयन में उपस्थित वह घटक जो अधिकता में पाया जाता है वो विलायक कहलाता है, और विलयन में उपस्थित जो घटक कम मात्रा में पाया जाता है उस घटक को हम कहते हैं विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है। अब हमें पता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ये समझना कि विलेय जो है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। ऐसे ही विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं,
ठोस, द्रव और गैस, उन अवस्थाओं के आधार पर हमारे 9 प्रकार के विलयन होते हैं। पदार्थ की अवस्था के आधार पर हमारे 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब वो 9 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, क्योंकि 3 अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाओं के आधार पर हमारे 9 विलयन होते हैं। अब वो 9 विलयन देखिए, हम ये मानते हैं कि किसी एक विलयन में कोई पदार्थ विलेय की भांति कार्य कर रहा है, तो दूसरे विलयन में वही पदार्थ विलायक की भांति कार्य कर सकता है। इसलिए हम सबसे पहले विलेय और विलायक, यानी पहले प्रकार के विलयन में विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा। तो अब हम क्या ले रहे हैं कि हम 3 ऐसे विलयनों की कल्पना कर रहे हैं जिसमें विलेय क्या है, आपका ठोस है। 3 विलयन ऐसे हैं जिनमें विलेय क्या है, आपका ठोस है। ऐसे ही 3 विलयन होंगे जिसमें विलेय क्या होगा, द्रव होगा। हम 3 अगले विलयन ऐसे लेते हैं जिनमें विलेय क्या है, आपका द्रव है। और 3 ऐसे विलयन जिसमें विलेय क्या है, आपका गैस है। तो हमारे 9 प्रकार के विलयन हो गए। 3 ऐसे विलयन जिसमें विलेय क्या है, ठोस। 3 ऐसे विलयन जिसमें विलेय द्रव है। और 3 ऐसे विलयन जिसमें विलेय क्या है, गैस। अब जैसे पहला विलयन लेते हैं हम, विलेय ठोस है, विलायक भी ठोस है, यानी ठोस का ठोस में विलयन, ठोस पदार्थ का ठोस पदार्थ में विलयन। अब इसका उदाहरण, जैसे जो हमारी मिश्र धातुएं होती हैं, अगर हम ठोस का ठोस में विलयन का अगर उदाहरण है, इसका हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो इसका उदाहरण क्या है कि मिश्र धातुएं, जो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो आपके ठोस में ठोस का विलयन है। जैसे आपका पीतल है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है, कॉपर भी आपका क्या है, ठोस है, जिंक भी क्या है, ठोस है। तो दोनों पदार्थ आपके ठोस हैं, तो वो कैसा विलयन होगा, ठोस का ठोस में। अब दूसरा विलयन आते हैं जो क्या है, ठोस का द्रव में, यानी जिसमें विलेय क्या है, ठोस है, और विलायक क्या है, आपका द्रव है। ऐसे बहुत सारे विलयन हो सकते हैं, जैसे चीनी को यदि पानी में घोल दिया जाए, नमक को पानी में घोल दिया जाए, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे चीनी का विलयन, चीनी धन, दूसरा घटक पानी का विलयन, तो ये उदाहरण हो गया किसका, चीनी और पानी का विलयन हो गया। तीसरा विलयन कैसा होगा हमारा, जिसमें विलेय ठोस है और विलायक क्या हो जाएगा, गैस, यानी हम क्या कहेंगे, ठोस का गैस में विलयन। तीसरे प्रकार का विलयन हो गया, ठोस का गैस में विलयन। जैसे उदाहरण क्या है, कपूर जो नेफ्थलीन है, यदि हम कपूर को खुला छोड़ दें तो कपूर के कण वायु में मिल जाते हैं, तो कपूर कैसा है, ठोस, और वायु क्या है, गैस। तो हम इसको कह सकते हैं कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर का ऊर्ध्वपातन, अर्थात कपूर के जो कण है वो वायु में मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे आयोडीन जो है वो एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। जितने भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं, चाहे वो नेफ्थलीन हो, चाहे एंथ्रासीन हो, चाहे आपका आयोडीन हो, वो सारे कैसे विलयन होते हैं, ठोस का गैस में विलयन। अब हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन आता है जिसमें विलेय क्या है, द्रव, और विलायक क्या हो जाएगा, ठोस, यानी द्रव का ठोस में विलयन। अगले टाइप का है, द्रव का ठोस में विलयन। अब ये क्या हुआ, द्रव का ठोस में विलयन, जितने भी अमलगम है आपके, जैसे जिंक अमलगम कहते हैं हम, ZnHg, जिंक अमलगम, जिंक क्या है, ठोस, पारा कैसा है, द्रव, तो ये कैसा विलयन हो गया, द्रव का ठोस में। इसमें जो पारा है वो विलेयी है और जिंक क्या है, आपका विलायक है, तो ये कैसा विलयन हो गया, द्रव का ठोस में विलयन। अगला हम लेते हैं द्रव का द्रव में विलयन, यानी ये आपका पांचवें प्रकार का विलयन हो गया, द्रव का द्रव में विलयन। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जल और एल्कोहल का विलयन, जल धन एल्कोहल, यदि पानी में एल्कोहल डाल दिया जाए तो वो किस प्रकार का विलयन बनता है, द्रव का द्रव में, क्योंकि जल भी किस अवस्था में होता है, द्रव, और एल्कोहल भी किस अवस्था में होती है, आपका द्रव अवस्था में। तो नेक्स्ट 6 टाइप का सॉल्यूशन आ जाएगा, द्रव का गैस में विलयन। अगला विलयन आपका आ गया जिसमें विलेय क्या है, आपका द्रव है, और
विलायक क्या है आपका? गैस है। तो द्रव का जो गैस में विलयन है इसका उदाहरण अगर हम लें तो हम कहेंगे कि वायु में जलवाष्प के कण, वायु में जलवाष्प के कण जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, जब वो वायु में मिश्रित होते हैं तो वो इसी प्रकार का विलयन बनाते हैं जो एरोसॉल है। अभी जब आगे आप पढ़ोगे इस चैप्टर को आगे को, तो इसमें हम एरोसॉल पढ़ेंगे एक टॉपिक। तो जहां पर एरोसॉल होते हैं वो इसी प्रकार के विलयन हैं, जहां विलेय क्या है पानी की छोटी छोटी बूंद है और विलायक क्या है वायु अर्थात गैस। अब हम नेक्स्ट टाइप के सॉल्यूशन में आ जाते हैं, गैस का ठोस में विलयन, यानी एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय आपका गैस है और विलायक क्या है आपका ठोस पदार्थ है। तो इसका जब हम उदाहरण लेते हैं तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तो हम वहां पर करते क्या है निकिल उत्प्रेरक लेते हैं, निकिल उत्प्रेरक में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि निकिल जो धातु है जो ठोस है उसके पृष्ठ पर गैस हाइड्रोजन गैस के कण अधिशोषित हो जाते हैं, यानी निकिल धातु के पृष्ठ पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण जो होता है वो एक इसी प्रकार के विलयन का निर्माण करता है जिसमें विलेय क्या है आपका गैस और विलायक क्या है ठोस। तो हम ये कहते हैं कि निकिल के पृष्ठ पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, निकिल के पृष्ठ पर हाइड्रोजन गैस, ये हमने कक्षा 10 में जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ी ये उसका उदाहरण है। अगला विलयन आपका होता है गैस और किसका विलयन, द्रव का, यानी जिसमें विलेय क्या है आपका गैस है और विलायक क्या है आपका द्रव है। अब इसका उदाहरण जो हम अपने दैनिक जीवन में जितनी कोल्ड ड्रिंक होती है वो कोल्ड ड्रिंक इसी का उदाहरण है कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में मिला के रखी जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी क्या हो गया द्रव। तो हम इसका उदाहरण लिख सकते हैं शीतल पेय पदार्थ, जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं शीतल पेय पदार्थ। होता क्या है शीतल पेय पदार्थों में कि जो पानी है उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक एक उदाहरण है जिसमें गैस विलेय को कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को पानी में घोला जाता है। और अंतिम विलयन आपका आता है गैस का, गैस में विलयन अर्थात जिसमें विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है, जिसका उदाहरण हम लेते हैं वायु। वायु में हमें पता है बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है इसलिए क्या हो गई विलायक, और जो अन्य गैसें हैं वो कम मात्रा में होती है, चाहे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहे अक्रिय गैसें हैं। तो जो गैसें कम मात्रा में है वायु में वो विलेय कहलाएंगी और जो अधिक मात्रा में है जैसे नाइट्रोजन जो गैस है वो कहलाएगी आपकी विलायक। तो पदार्थ की तीन अवस्थाओं अर्थात ठोस द्रव और गैस के आधार पर हमने 9 प्रकार के विलयनों के बारे में बात करी। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।